तो इस वजह से मैं गया था हॉस्पिटल, तो रिपोर्ट आ जाएगी कल मॉर्निंग में, बोल रहे थे फिर 9 बजे तक। बाकी इस हाथ में थोड़ा जहाँ से ब्लड निकाला था तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा पेन टाइप का हो रहा था। चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो। हेलो कर देते पापा ने खाली वीडियो। हेलो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया और सब बढ़िया चल रहा है। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मैं और मेरे पापा, और रिंकू के पापा भी आ रहे हैं। क्योंकि अब ब्लड टेस्ट क्यों कराना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए, है ना। और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। फिर तो हमने तो सेफर साइड छाता ले लिया है। अब हॉस्पिटल यहाँ पर है धमकोट में, मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे फैसिलिटी आ चुकी है ब्लड टेस्ट की, तो इस वजह से वहीं जा रहे हैं हम सरकारी हॉस्पिटल में। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, मतलब बादल ही बादल है सभी तरफ, है ना। उदयपुर की साइड भी, भटकोट साइड, दूनागिरी बांडरखोली साइड, सभी जगह का मौसम ऐसी है। और यहाँ पर भी नीचे की साइड पर भी ऐसी है, मतलब मौसम ख़राब ही चल रहा है फिर, है ना। और बाकी नदी भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। दोबारा घर आना पड़ गया क्योंकि मेरा आधार कार्ड मैं भूल चुका था घर पे। इसको भी ले लेते हैं, यही है यार। मतलब भाई मैं तो ऐसे व्लॉग बनाते जा रहा है। एक तो मेरा फ़ोन मैं आजकल रख नहीं रहा अपने पास, क्योंकि फ़ोन वोन आते नहीं किसी के, तो फ़ोन घर पे रहता हूँ यूजुअली। तो मैं बस ये आईफोन लेके चले जाता हूँ क्योंकि व्लॉग शूट करना होता है, तो मैं यही फ़ोन आजकल मेरे पास रहता है। तो मैं कहा अभी हॉस्पिटल जाना है, फिर फ़ोन लेके जा रहे थे पापा, तो मैंने कहा उनके फ़ोन से ओटीपी का चक्कर हो, जो ओटीपी का जो मैटर होता है उनके फ़ोन से सॉल्व हो जाएगा। मैं इधर उधर ज़्यादा फ़ोन लेके जा नहीं रहा हूँ आजकल, तो फ़ोन घर पर रह गया। फिर भाग भाग के यहीं से वापस गया मैं, इसी एरिया से, डसिल से बोल सकते हो आप, कि मैं फिर से वापस गया हूँ घर दौड़ते दौड़ते। और जो भागवत कथा के बारे में आपसे बात कर रहा था वो हो रही है यहाँ पर मड़केश्वर पर, तो ये है मड़केश्वर का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं मंदिर, मैंने दिखा रखा है मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में अपने, सो यू कैन चेक इट आउट। सो ये देखो कुछ इस तरह से डेकोर कर रखा है मंदिर को। धमकोट की ओर सुलेख से, ये सोमेश्वर वाली रोड है। यहाँ से देखो मतलब बिनता जो हमारी मार्केट है उसका व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है। धान की खेत जो हो गए और ये पूरी मार्केट हो गई हमारी, बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ से, है ना। अभी वो ऊपर है एक मतलब हॉस्पिटल, थोड़ा ऊपर एक घर सा है, हॉस्पिटल के ऊपर एक घर सा है, तो वहाँ से और ब्यूटीफुल दिखता नज़ारा। अगर हो पाएगा तो अभी जाऊँगा, वरना तो मुश्किल ही है वैसे वहाँ जाना। अगर मेरे पास, हाँ मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी है वहाँ की, तो मैं वो ओवरले आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। एक दो फोटोज़ कितना ही ब्यूटीफुल लगता है ना वहाँ से हमारा बिनता, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यार। ये है हॉस्पिटल का एंट्री गेट, है ना, यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है। ऑल दो वहीं से है धमकोट लिखा हुआ, यहाँ पे पहले से तो थोड़ा बहुत हल्का सा रास्ता था यहाँ पर सीमेंटेड, अब तो अच्छा सा बिछा दिया, मस्त फ्लोरिंग टाइप कर रखे। और ये देखो अगल बगल में छोटे छोटे पेड़, मतलब क्या बोलते हैं आप, पेड़ ही टाइप ही समझ लो फिर उनको, तो यहाँ बहुत अच्छा सा एक व्यू दिख रहा है। और बाकी ये कुछ रूम्स हैं, अब इनके बारे में उतना पता नहीं मेरे को, बाकी मेन जो है वहाँ पर है उधर पे एंडिंग पे। अंदर दिखा दिया है, तो आप जाते नीचे जो वहाँ पर लैब है, लैब पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक हो रहे हैं सारे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बोर्ड टाइप का, उसको दिखा देता हूँ आपको सारे जांच, मतलब यहाँ क्या क्या जांच यहाँ पे हो रही है।
तो ये देखो एक लगा रखा है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। सैंपल वैम्पल ले लिए, फिर उनने रिपोर्ट आ जाएगी कल को 9 या 10 बजे करीब, मतलब फ़ोन पे आ जाएगी, अब तो ऑनलाइन का ही है ना, तो बोले कि फ़ोन पे देख लेना, तुम प्रिंट करवाना तो करवा सकते हो, फिर आ जाना यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास है ना। सो बस सैंपल वैम्पल ले लिया फिर, बाकी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ब्लड निकालने का, मतलब ब्लड सैंपल जो भी है फिर ब्लड निकाल रहे थे, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक रहा वैसे, कुछ जितना मैं डर रहा था उतना तो कुछ था नहीं। जो भाई घर आ चुका है हॉस्पिटल से, क्योंकि अब आते टाइम थोड़ा सामान वामान भी हो चुका था, हाथ में दुकान से सामान लिया था, सब्जी वब्जी होगी, दूध और चीनी भी नहीं, तो चीनी भी नहीं, दूध लिया, सब्जी लिया और चीनी ली, ठीक है। और बाकी हाथ में थोड़ा जहाँ से ब्लड निकाला था तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा पेन टाइप का हो रहा सामान लेने में, तो एक हाथ से ये था, तो मैंने ब्लॉग व्लॉग किया नहीं, सीधे मैं घर ही आ गया। घर आने के बाद हमने नाश्ता कर लिया, क्योंकि बिना नाश्ते किए गए थे हम हॉस्पिटल, तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। सो बस अब क्या है कि अभी 11:30 करीब हो रहा टाइम, मतलब दिन का खाना जो है थोड़ी देर में बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं। फिर 1 बजे करीब फिर मैंने वहाँ सुलेख जाना है अर्शुल को लेने के लिए, आजकल रूटीन वही चल रहा है। अरे गुल्लू स्कूल बैग सर है, अरे हेलो खतरनाक लेके चलता है स्कूल यार, बहुत अच्छा। हेलो हेलो कर देते पापा ने कल वीडियो, हेलो 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 हेलो। अरे कार्तिक ना सॉरी कल ये अरे नंतरा बात है को, दिन के 1 बज चुके हैं, जस्ट मैं नहा के आ रहा हूँ, फिर अब जाना है सुलेख को, आरुषि लोगों को लेके आते हैं, क्योंकि आजकल अम्मा लोग खेत में वही रोप निवड़ा मतलब, तो इस वजह से मैं घर पे फ्री बैठा हूँ, फिर तो इस वजह से मैं चले जाता हूँ लेने। कोमल भी आ चुकी है स्कूल से, आदर्श वाले ठहरे बलिए, आदर्श बिनता है ना। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो, आप पहुँचे? अच्छा और बढ़िया। अम्मा तो खेत गई है, बुब्बू घर पे हैं, पापा भी घर पे ही हैं तेरे, करण दादा तो स्कूल से आ रहा होगा। अच्छा किसने बोला, क्या बोली थी मम्मी? अच्छा अच्छा चिज्जी, मम्मी से बोलना अब तू खुद दे दे बोल पैसे, ठीक है नमो। हाँ ओके, तो नमो लोग आ चुके फिर स्कूल से, अब यहाँ पर ये स्पीकर बज रहा है मंदिर के वहाँ पर, तो आवाज़ आ नहीं रही होगी, तो अब सीधे घर पे मिलते हैं सीधे, चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो। आरुषि लोगों को स्कूल से लेके आ चुका था, फिर मैंने ब्लॉग किया नहीं, बट करण भी नहीं आया, मम्मी भी नहीं आई, अभी मम्मी खेत से नहीं है, करण स्कूल से नहीं आया, पता नहीं क्या है, खाना खाने के लिए वेट कर रहा है, और तो भूख तो लगी नहीं, क्योंकि हमने आज 11:30 करीब नाश्ता किया था। चलो कोई बात नहीं, वेट करते, वैसे भूख तो लगी नहीं अभी भी, आ जाएंगे तो फिर खाना खाएंगे। तू क्यों आया था इधर? टॉफी लेने। हाँ जा फिर उठाता हूँ को, उठो बोल, सुबह होगी बोल। कौन आया था लेने के लिए? अबुल दादा, हम छेदे पैसे भी नहीं लिए और चिट्ठी भी नहीं दिया छे जी। किसने? ये गंदा है ना? हाँ।
ठंडा हो रहा है, जरा चीज निकलाया क्यों निकलाया इसने? तूने कल तूने तो फिर परसों 20 का खा लिया फिर अकेले आज उस दिन तूने 20 वाला खाया था ना लेस, तो मैंने आज कहा छुट्टी कर देते हैं, आज के पैसे कट गए, अब बराबर हो गए ठीक है। अच्छा आप वोटिंग है क्या स्कूल में? जनरल मॉनिटर बन सब ठीक हो यार, ये बढ़िया भाई। हम तो हम बोलो पोस्टर छोड़ दे कर गुरु पे, हम लेके जनरल मॉनिटर है भाई एक्स यार, हमारे जिले की वोटिंग है हम, तो हमारे रिजल्ट है उतना हो गई तो उन्हें पहन पर कराया तू। सो भाई आज इसका इस ये भी उठा था जनरल मॉनिटर के लिए स्कूल में, तो आज वोटिंग होगी बोल रहा है मेरे, अब कल को आएगा रिजल्ट, कल देखते हैं क्या पता बन जाए। मैं भी था मतलब अपने टाइम पे, जब मैं 12th में था तो उस टाइम पे मैं भी हेड बॉय बना था जनरल मॉनिटर बोलते थे, मतलब एक ओवरऑल जो स्कूल का मॉनिटर होता है उसके अंडर में सारे मॉनिटर होते हैं, तो वो पोस्ट हमने भी अपने टाइम पर कर रखी है। अब बाकी भाई साहब क्या करते हैं ये देखना है कल, है ना। अब स्कूल से आ चुके फिर मम्मी नहीं आ रखी अभी, मम्मी जब आएगी फिर खाना खाएंगे, क्योंकि मम्मी खेत में गई है और अपनी हो जरा को, तो मम्मी कहाँ रहा है, तो बस मम्मी का वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ही खाएंगे खाना। सोहन जी गुड इवनिंग भाई, अभी बज रहे हैं शाम के 5:19, कल सो हमने खाना ना खाया तो उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं था, मैं 3 बजे सो गया और जो नींद आई है ना भाई माय गॉड बिल्कुल खतरनाक वाली, अभी उठ रहा हूँ मैं जस्ट। शक्ल सूरत आप देख ही रहोगे, अभी सो के उठ ही रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा फेस भी सूझा हुआ लग रहा होगा, सो बस आप थोड़ा पहले फेस वॉश करते हैं, देन फिर मिलते हैं आपसे। तो व्लॉगिंग स्टार्ट डेली करनी है भाई, अब तो डेली व्लॉग डालना है, अब व्लॉगिंग होगी डेली, क्योंकि भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, हिन्नू जो उत्तराखंड है उनका फिर से मेरी वीडियो पर कमेंट आया था, तो एक मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए है वो, क्योंकि हमारे कुमाऊँ की हैं, तो यहाँ पे कोई उतना कोई है नहीं ना ब्लॉगर इतने हाई लेवल पे हमारे कुमाऊँ में करते। स्मार्ट दिखता है ऐसे यार, बाल बाल बना के ठीक है, अगर बाल नहीं बनेंगे तो फिर तो शक्ल सूरत ख़राब ही लगती है, कुछ यही सीन है भाई। अभी तो शक्ल थोड़ी अच्छी लग रही है मूड होके, ना मूड होता ही नहीं है कभी कभी, तो क्या लुक आता ना एंकर, अगर बाल को करो तो देखो अभी एक मिनट आपको दिखाता हूँ, कुछ ये हाल हो जाता है बालों का, लंबे बालों का कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2 महीने की बात और है फिर तो सही हो जाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा इनकी ग्रोथ और लंबी हो जाएगी ना, सो फिर कोई दिक्कत नहीं करेंगे ज़्यादा ही। सो बस अभी काम करते हैं, अब बनाते हैं चाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि चाय ज़रूरी है भाई, बिना चाय के कुछ काम मतलब मेरे लिए तो स्टार्ट नहीं होता। फिर कैदी खड़े हैं यहाँ पर कंचू और गुलगुल, इनको हमने जेल में डाला इनका हमने जेल में डाल रखा है ना। बाहर पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है यार, अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी हो रखी है बारिश स्टार्ट, अभी अभी हो रखी है क्योंकि अभी तक तो थानी एकदम से हुई, मैं तो अभी बाहर पे बैठा था थोड़ी देर पहले तक, सो बस अब चाय, अब बारिश भी होगी तो अब तो चाय पक जरूरी है, वैसे भी जरूरी थी बट अब तो और ज़्यादा ज़रूरी है। चाय
चाय तो बन चुकी है, अब बस भूगोल को भी देते हैं, करण को भी देते हैं। बाकी बाहर में बारिश देखो आप भाई साहब, देखो इतनी तेज बारिश हो रही ना, बहुत खतरनाक हो रही। अभी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा थी नहीं, पर अब देखो ये देखो भाई साहब मौसम फुल टू, मतलब इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही ना भाई, बिल्कुल मतलब जहर हो गया, बिल्कुल जहर, धुआंधार बारिश, धुआंधार इसे बोलते ना। बाकी ये देखो चाय, इस मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अलग है यार, बारिश के मौसम में। तो बस हम चाय का आनंद लेते हैं, और अब बारिश का आनंद हो थोड़ा बहुत दिखाई दिया फिर मैंने आपको, हम चाय पीते हैं फिर अब सीधे। तो भाई बाहर पे तो बारिश हो रही, तो हम अंदर आ चुके हैं चाय पीने के लिए। तो इतने सारे लोग हमने चाय पीने के लिए बुला रखे हैं, एक तो नेपाल से भी हैं सीधे, आप जानते होंगे उनको, अर्जुन नेपाल। अभी वो सीमेंट का कट्टा लेके आ रहे हो, थोड़ा तभी मुंह धो के देखो चाय पीने के लिए। सो चार गिलास चाय है, और ये रस मंगा रखा था मैंने अभी अच्छे से, तो उसको इन्जॉय करते हैं। बाकी मौसम तो बाहर आपको दिखाई दिया मैंने कैसा हो रहा करके। देखो मौसम कितना साफ हो चुका है फिर से, मतलब बारिश हल्की हल्की बूंदे तो गिर रही है, अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, अब देखो क्लियर होने को ऊपर की साइड पे बारिश हो रही है, बट यहाँ पे अभी मतलब रुक गई है फिर। सो बारिश रुक गई तो मैंने कहा कि व्लॉग की भी एंडिंग कर देते हैं। आज हम सुबह हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल इसलिए गया था क्योंकि मेरे हाथ पे कुछ दाने टाइप कुछ हो रखे हैं, तो इनकी वजह से मैंने करा रखा है ब्लड टेस्ट। फोकस फोकस फोकस। अब मैंने सोचा कि क्या पता कुछ पता चल जाए, तो ये अभी तो इतने अभी ये हाथ पे दिख रहे हैं, बाकी मेरे फेस के कहाँ पे इस साइड, हाँ ये भी है, और नेक पे भी, मतलब बहुत मतलब बॉडी में भी हो रखे हैं। सो इस वजह से मैं गया था हॉस्पिटल, तो मेरा इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मतलब होने को मैं पहले बहुत डर रहा था, मैं यार क्या जो होता है साला, मतलब बहुत डर सा लग रहा था क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं निकाला था। तो फिर उन्होंने जब किया तो मुझे उतना तो कुछ फील नहीं हुआ, हल्का सा जब सुई अंदर गई तभी पता लगा, फिर बाकी तो कुछ था नहीं। तो मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, बाकी आप देखते हैं रिपोर्ट आ जाएगी कल मॉर्निंग में, बोल रहे थे फिर 9 बजे तक, तो कुछ यही सीन रहा। सो अब एक काम करते हैं यार, सो अब एक काम करते हैं, इस वीडियो को इतना रखते हैं यार, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।